नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ ऋषि गुप्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। जी हां, अगर आपको बता दें, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट 1 जून को सुनवाई करेगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने तय करेगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के समन जारी किया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आगे आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने गहलोत पर उन्हें लेकर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया था। अशोक गहलोत ने हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने घोटाले में शेखावत के माता पिता, पत्नी और साले के भी मिलने की बात कही थी। गहलोत ने कहा था कि शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।